Hello and welcome to once again Income Tax Google. We were reading about income from other sources. The last जो income from other sources last head है Income Tax Act के अंदर, उसके बारे में हम पढ़ रहे थे और उसी के बारे में आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं. एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है गिफ्ट. ये बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट करता है कई बार दोस्तों, और उसी के ऊपर आज हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि गिफ्ट का टैक्सेशन कैसे होगा. तो सबसे पहले इसके बारे में डिटेल में पढ़ने के लिए सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं कि गिफ्ट कितने तरह का होता है. देखो, अगर एक एक चीज को समझ के करेंगे तो बहुत ही ईजी है. तो देखो, एक तो गिफ्ट हमें कैसे मिल सकता है, कैश दे सकते हैं, लिफाफे में कैश दे दिया. दूसरा, गिफ्ट के अंदर बाइक दे दी, स्कूटर दे दिया, कुछ ऐसी चीज जिनको हम बोलेंगे मूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी. और जो लास्ट एक और चीज है उसके अंदर आता है, जैसे घर दे दिया, प्लॉट दे दिया, इमूवेबल प्रॉपर्टी. बेसिकली सभी जितने भी गिफ्ट हैं इनको तीन कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है. ठीक है, तो अब जब कैश मिलता है तो उसका टैक्सेशन कैसे किया जाएगा, और जब मूवेबल प्रॉपर्टी मिलती है तो उसके टैक्सेशन के क्या क्या चीजें हैं, और इमूवेबल प्रॉपर्टी मिलती है उसके टैक्सेशन क्या क्या चीजें हैं. तो आगे बढ़ने से पहले एक चीज और देख लेते हैं इसमें. वो चीज ये है कि अगर इसका हम ए पार्ट देखें तो मूवेबल प्रॉपर्टी ये है, मान लो बाइक दे दी पूरी की पूरी विदाउट कंसिडरेशन. विदाउट कंसिडरेशन का मतलब ये हो गया बच्चों कि कोई भी पैसा आपसे लिया ही नहीं गया, पूरी की पूरी. मान लो 1 लाख की बाइक है तो 1 लाख की पूरी बाइक ले दी. कई बार क्या होता है कि गिफ्ट में कुछ ऑफर मिल जाता है. ऑफर मिल जाता है मतलब कि भाई जैसे आपके फ्रेंड आपको गिफ्ट दे रहे हैं या फिर आपका फैमिली वाला आपको कोई गिफ्ट दे रहा है. तो जब रिलेटिव गिफ्ट देते तब तो टैक्स लगता ही नहीं है. जैसे कहाँ कहीं पर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो वहां पे आपको गिफ्ट मिल रहा है, या कहीं से भी आपको गिफ्ट मिल गया, या आप केबीसी में गए और वहां पे आपको बाइक जीत गई, या फिर आपने कोई एमपीएल खेला वहां से आपको कार मिल गई. तो जो मूवेबल प्रॉपर्टी के जितने भी गिफ्ट होंगे उसमें दो तरीके से होते हैं. तो विदाउट कंसिडरेशन की पूरी कई बार ऐसे कहे कि आपको छूट दे दिया 50% 60% का कंसिडरेशन. तो अनएडुकेट उसको बोलेंगे बेटा अनएडुकेट कंसिडरेशन, यानी कि पूरी की पूरी कंसिडरेशन नहीं दी, मतलब पूरा का पूरा जितना उसका प्राइस था उतना नहीं दिया, उससे थोड़ा दे दिया. ये तो हो गया पूरा का पूरा विदाउट कंसिडरेशन. कोई भी आपने पैसा दिया ही नहीं और आपको गिफ्ट मिल गया. इसमें क्या है कि कुछ आपने पैसा दिया है और कुछ उन्होंने गिफ्ट के थ्रू फॉर्म पे दे दिया. इसी तरह जब हम इसकी बात करें प्लॉट की, प्लॉट में कई बार क्या होता है कि भाई आपको विदाउट कंसिडरेशन पूरा का पूरा प्लॉट फ्री में दे दिया. बताओ आपके दोस्तों ने फ्री में आपको प्लॉट दे दिया, होता है क्या ऐसा? नहीं होता ना. लेकिन कभी कभी दूसरे केस में हो जाता है. दूसरे केस में जैसे कि आपको कोई कंपनी की तरफ से मिल गया, या फिर कुछ और दोस्तों का भी हो सकता है. मेरे तो खैर ऐसे दोस्त नहीं है, हो सकता है आपके अमीर दोस्त हो भाई तो आपको मिल सकता है. उसके बाद होता है इसमें भी एक अनएडिकेट कि उसके जो काफी जो चाहिए जो उसके लिए जो उसकी वैल्यू थी वो नहीं, उससे कुछ पैसा आपने दे दिया और कुछ उसने आपको कम में दे दिया. तो अनएडुकेट कंसिडरेशन. तो दो तरह से इसको गिफ्ट को मिल सकता है, दोनों के अंदर. कैश के अंदर तो ऐसे थोड़ी ना होगा कि लो भाई पूरा का पूरा कैश ही मिलेगा, उसमें विदाउट कंसिडरेशन ही रहेगा. और उसमें थोड़ी ना कि लो भाई मैं आपको 1000 रुपये देता हूँ और आप 500 रुपये मुझे वापस दे दो. भाई 500 रुपये वापस दे तो 500 रुपये का गिफ्ट हुआ ना. तो इसमें सच कुछ आपको कैटेगरी बनाने की जरूरत नहीं है, बट यहाँ पे कैटेगरी बनाने की जरूरत है. क्यों है जरूरत? क्योंकि जब हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे ना इन दोनों केस में, इन दोनों में तो उसका इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा कि कैसे फाइंड आउट करना है कि कितना इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के. जैसे आपको मैंने शुरू में बताया था कि टैक्सेशन ऑफ गिफ्ट है, गिफ्ट का टैक्सेशन हमेशा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड के अंदर टैक्सेबल होता है. ठीक है, ये आपको समझ में आ गया. चलो हम इसकी अब हम क्या करेंगे, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. एक बार तो थोड़ा सा इसके बेसिक चीजें पढ़ेंगे कैश के बारे में इसके, और एक हम इसके केस में एक एग्जांपल देखेंगे इसी लेक्चर के अंदर. जो एग्जांपल अगर आपने देख लिया फिर उसके बाद सारी चीजें क्लियर हो जाएगी. सबसे इंपॉर्टेंट है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर ये टॉपिक, तो सबको ध्यान से देखना. और प्रैक्टिकल लाइफ में जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओगे या प्रैक्टिस करोगे तो सबसे ज्यादा जो प्रैक्टिकल लाइफ में ये चीजें आने वाली है. बाकी जो चैप्टर जो टॉपिक्स मैंने कराए वो भी इंपॉर्टेंट है, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि ये हर प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसे होता है. ब्याह शादियों में पैसे आते हैं तब उसको कैसे टैक्स करना है, या फिर आपको वैसे कोई गिफ्ट मिल गया, या फिर कोई भी मोबाइल प्रॉपर्टी मिल गई विदाउट एनी कंसिडरेशन के. और एक सबसे बड़ी बात बताता हूँ, देखो
यहां से एक बात बताता हूँ कि जैसे हम भी प्रैक्टिकल लाइफ पे बता रहा हूँ, हम भी एक प्रॉपर्टी लेने के लिए जा रहे हैं, एक घर मान लो प्लॉट लेने के लिए जा रहे हैं, ये बात आप ध्यान देखना। प्लॉट की वैल्यू, मार्केट वैल्यू रहेगी अराउंड मान लो कि 50 लाख, ठीक है, 50 लाख रहेगी। तो जो सेलर है या प्रॉपर्टी डीलर जिसके थ्रू आप खरीद रहे हैं, वो कहेगा कि साहब आप 50 लाख तो देने ही आपको, ऑब्वियसली मैं कोई डिस्काउंट नहीं दूंगा, कोई डिस्काउंट नहीं देना, कोई गिफ्ट नहीं है, बट आपको एक काम करना पड़ेगा, 50 लाख में से ना आप 30 लाख दे दो, किसमें 30 लाख आप दे दो मुझे बैंकिंग चैनल से, बैंक में दे दो मुझे, ठीक है, बाकी के जो 20 लाख है ना वो क्या करो, वो आप दे दो मुझे कैश में, ठीक है। ऐसा क्यों बोलता है कि भाई 30 लाख आप बैंक से दे दो और 20 लाख कैश से दे दो, क्योंकि जो 30 लाख है ना बेटा, ये होती है मिनिमम गाइडेंस वैल्यू, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, यानी कि उस मार्केट का रेट, उस सर्कल रेट भी बोलते हैं, मार्केट रेट भी बोलते हैं, मार्केट रेट नहीं, सर्कल रेट बोलते हैं, गाइडेंस वैल्यू बोलते हैं, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू बोलते हैं, रजिस्ट्रार रेट भी बोलते हैं। तो जब भी आप रजिस्टर ऑफिस में जाओगे तो हर जगह में, जिस पर्टिकुलर लोकेशन में रहता है, उस लोकेशन का एक पर्टिकुलर रेट रहता है जो गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि उस उतने रेट में आप, मैं उसके ऊपर आपको स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू देनी पड़ेगी। जब आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आपको टैक्स देना पड़ता है, स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ती है, तो इसलिए उतनी प्रॉपर्टी, जैसे मान लो आपने 50 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी थी, तो जो 50 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी, पूरा का पूरा आपने बैंक से दे दिया 50 लाख, और उतने का ही आपका सेल डीड हो गया, जो एग्रीमेंट बना वो भी इतने का ही हुआ, डीड भी इतने की हुई, तो 50 लाख के ऊपर स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ेगी। और स्टैम्प ड्यूटी मान लो कि मोस्टली स्टेट्स में कहते हैं, ये स्टैम्प स्टेट सब्जेक्ट के अंदर रहता है स्टैम्प ड्यूटी, और मोस्टली स्टेट्स में 6% 8% ऐसे रहता है। अगर 6% भी मान के चले तो 50 लाख का 6% आपको, 50 लाख का 6% आपको देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको बोले कि आप एक काम करो, 30 लाख मुझे बैंक से दे दो, बाकी के 20 लाख का मुझे कैश दे दो, तो जो बैंक से दिया ना बेटा, ये ही आपके सेल डीड के अंदर, सेल डीड के अंदर मेंशन होगा। उसका मतलब ये कि आपने ये प्रॉपर्टी 30 लाख में खरीदी है, तो अब आपको स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू देनी पड़ेगी 30 लाख का 6%, और बाकी का जो कैश है, उसने कहा कि इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, ये कहीं इसका सेल डीड के अंदर मेंशन नहीं होएगा, सेल डीड में कहीं भी इसको लिखा नहीं जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 20 लाख की प्रॉपर्टी थी, उस पर 6% टैक्स नहीं देना पड़ेगा, मतलब वहां पे 6% का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू उसने बचा ली, ठीक है। तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को बचाने के लिए, और दूसरी बात, ये तो एक रीजन है, जब 50 लाख में आप बेचा है और ये प्रॉपर्टी उस बंदे ने खरीदी थी मान लो कि 25 लाख की, ठीक है, तो जो सेलर है, सेलर ने 50 लाख की बेच दी, तो 50 लाख की बेच दी तो सीधा सीधा है कि उसे 25 लाख का गेन हो गया, तो 25 लाख का उसके ऊपर कैपिटल गेन के अंदर इनकम आ जाएगी, कैपिटल गेन। बट यहाँ पे अगर वो 50 लाख में बेच नहीं रहा, कितने में बेच रहा है, 30 लाख ही दिखाएगा, 20 लाख तो कैश मिलेगा, तो उसका बेनिफिट ये होगा कि 25 लाख की प्रॉपर्टी थी, 30 लाख में बेचे, तो सिर्फ 5 लाख का क्या आएगा, कैपिटल गेन आएगा, तो गेन भी बचाया यहाँ पे और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू भी बचाई 20 लाख के ऊपर 6% की। तो इस तरीके से अलग अलग, और ये सबसे प्रैक्टिकल तरीका बता रहा हूँ दोस्तों मैं, ये होता है ऐसा, ऐसे ही होता है। आप अपने फादर से या फिर आसपास के एरिया में पूछोगे तो ऐसे ही होता है, कोई भी प्रॉपर्टी उसके हमेशा स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू पे ही मिलती है, और उससे ज्यादा रेट, हमेशा मार्केट रेट उससे ज्यादा ही होता है, तो उतनी जितनी वैल्यू स्टैम्प ड्यूटी पे दी गई है उतनी वैल्यू ही आपकी सेल ड्यूटी के अंदर आएगी। अच्छा, आप कहोगे कि सर इसने ये क्यों किया, यहाँ पे काम कर देते कि 20 लाख रुपए आप हमें बैंक से दे दो और बाकी के 30 लाख हमें कैश दे दो, ऐसे भी तो कर सकते थे। जब ऐसा नहीं कर सकते बेटा, ऐसा क्यों नहीं कर सकते, उसके बारे में ही आज हम पढ़ेंगे, और उसके बारे में पढ़ने के लिए हमें बताया जाएगा कि जब आप स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम पे अगर प्रॉपर्टी बेचते हो तो बाकी की जितनी कम पे बेचे, कितने की कम की, 10 लाख, तो 10 लाख के ऊपर आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर टैक्स देना पड़ेगा। तो इसलिए मिनिमम तो आप 30 लाख तो रखनी ही पड़ेगी। तो इसलिए लोग बहुत शाणे हैं, उसने एक्ट को ऐसे एक्ट के हिसाब से ही किया, कोई भी प्रोविजन का वोलेशन नहीं किया। 30 लाख की प्रॉपर्टी थी, 30 लाख में ही उसने खरीदा, और 20 लाख में नहीं देगा आपको, कम में नहीं। अगर फिर भी लोग ऐसा करते हैं, वो कम में देते हैं, तब कैसे करना है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो देखा जाए तो 50 लाख की प्रॉपर्टी आपने 20 लाख में अगर दे दी तो इनएडिक्वेट कंसिडरेशन हो गई, जहां पे ये वाला केस आ जाएगा, इनएडिक्वेट, मतलब आपने सिर्फ 20 लाख रुपए दिए और विदाउट कंसिडरेशन, मतलब 50 लाख की प्रॉपर्टी को फ्री में दे दिया किसी ने, कोई बेवकूफ है क्या, कोई फ्री में दे देगा, कहेगा कि सर एक बात छोड़ो तुम यार, तुम एक काम करो फ्री में ले लो 50 के 50 लाख, फ्री में छोड़ो मुझे कैश दे दो, मैं तुझे प्रॉपर्टी दे देता हूँ, मुझे भी पूरे 50 लाख के ऊपर स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ेगी, मैं फ्री में दे रहा हूँ तुझे, तो ऐसे कोई हो सकता है क्या फ्री में दे दे,
तो इसका मतलब फ्री में नहीं दिया, उसने आपसे कैश लिया है। तो गवर्नमेंट ने कहा कि भाई आप फ्री में दे रहा दे दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, बट आप 50 के 50 लाख के ऊपर टैक्स दे दो। बट यहाँ पे जो 20 लाख में अगर दिया है और प्रॉपर्टी की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी है 30 लाख, तो गवर्नमेंट कहे कि ठीक है आप 50 लाख की मार्केट वैल्यू थी, 50 लाख के ऊपर मत दो, कम से कम 30 लाख की ड्यूटी कम से कम वो तो मान के चलो, तो उसके हिसाब से 10 लाख के ऊपर ही दे दो। तो पूरा हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं दोस्तों, इसको पूरा डिटेल में आप कहीं आराम से इसको एक एक लाइन को सुनिए, समझिए, कहीं पे भी अगर आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपको जरूर आंसर करूंगा, ठीक है। तो आइए हम शुरू करते हैं। अभी तक ये चीज आपको जो मैंने बताई वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था इसको शुरू करने के लिए। तो सेक्शन 56 का 2 और ये बताता है कि कोई भी पैसा या फिर कोई भी प्रॉपर्टी, मूवेबल हो या इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो कोई भी आदमी को मिलती है बिना किसी कंसिडरेशन, फ्री ऑफ कॉस्ट में, या फिर वैल्यू ऑफ एनी प्रॉपर्टी रिसर्व्ड फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, अरे मैंने वापस, हाँ, इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, तो इनएडिक्वेट कंसिडरेशन के अंदर जो भी मिलेगी, यहाँ पे मैंने स्पेलिंग लिख दी बेटा, ध्यान से देख लेना, यहाँ पे इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, ठीक है, इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। तो इनएडिक्वेट कंसिडरेशन के लिए जो भी वैल्यू मिलेगी, जो भी प्रॉपर्टी आपको मिलेगी उसके ऊपर 56(2) बोलेगा कि टैक्स लगेगा। अब कितना टैक्स लगेगा वो देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मनी, आपको लिफाफा दे दिया कि भाई ये लो 50 लाख है, इसके अंदर कैश के लिफाफे दे दिए मैंने 50 लाख की, और गिफ्ट है रखो कैश, ऐश करो, कैश करो, मजे मारो। तो ऐसा नहीं होता, ऐसा इसलिए नहीं होता कि अगर कोई भी पैसा आपको बिना किसी कंसिडरेशन के, बिना कोई मेहनत करे, बिना कोई काम करे उसका, बिना कोई उसके नीचे काम सैलरी दिए, कुछ भी नहीं है, ऐसे फालतू में दे दिए बिना विदाउट कंसिडरेशन, और एग्रीगेट वैल्यू ऑफ सच विच एक्सीड 50,000 द होल ऑफ एग्रीगेट वैल्यू ऑफ सच सम चार्जेबल टू टैक्स। अगर एक आदमी ने कहा कि भाई 50,000 रुपये से अगर कोई ऊपर कैश देता है तो ही आपको उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा, नहीं तो मेरा वो गिफ्ट है। एक ने कहा कि ठीक है मैंने 20,000 एक बार दिए, 20,000 एक बार दिए, 20,000 एक, तो कहीं पे भी मैंने 50,000 दिए नहीं, पूरा एग्रीगेट कितना हो गया टोटल 60K, और 60K 50K से ज्यादा है कि नहीं, 50,000 से ज्यादा है 60,000, तो इसका मतलब उसको पूरे के ऊपर क्या करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा, वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो एनी सम ऑफ मनी रिसीव्ड विदाउट कंसिडरेशन और एग्रीगेट की वैल्यू अगर 50,000 है तो होल ऑफ द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ डिस्चार्जेबल टू, पूरा का पूरा टैक्स आएगा, ठीक है, आपको समझ में आ गया। अगर तो 50,000 तक छूट है, उससे ज्यादा अगर आपको मिली तो उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। 49,000 आपको मिले छूट है, कोई बात नहीं, जैसे 51K हुआ आपको टैक्स देना पड़ेगा इसके ऊपर, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं इमोबल प्रॉपर्टी, बोथ लैंड बिल्डिंग और बोथ, तो इमोबल प्रॉपर्टी भी विदाउट कंसिडरेशन, मतलब फ्री में मिलेगी, कोई कंसिडरेशन देना ही नहीं पड़ा, फ्री की मिल गई, टैक्सेबल होगी कब, जब स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ऑफ सच प्रॉपर्टी एक्सीड 50,000। कोई भी प्रॉपर्टी आपको मिली और उसकी स्टैंप ड्यूटी की वैल्यू 50,000 से ज्यादा है तो वो पूरी की पूरी टैक्सेबल हो जाएगी। मान लो कि एक प्रॉपर्टी की वैल्यू थी 10 लाख, ठीक है, 10 लाख उसकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू थी और आपको फ्री में दे दी, कहा कि लो भाई ये 10 लाख की गिफ्ट है मेरी तरफ से रखो, तो पूरी की पूरी के ऊपर 10 लाख के ऊपर क्या होगा, टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। टैक्सेबल इफ स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ऑफ सच प्रॉपर्टी एक्सीड दिस 50,000, किसको देना पड़ेगा, रिसीवर, जिसको टैक्स, जिसको गिफ्ट मिला है उसको देना पड़ेगा। तो मुझे गिफ्ट दिया है, आप लोगों ने मिलकर मुझे प्रॉपर्टी गिफ्ट दे दी और कहा कि सर आप फ्री में इसको यूज करो, आपकी प्रॉपर्टी आपके नाम है, तो मुझे टैक्स देना पड़ेगा। आप लोगों को तो क्या देना पड़ेगा, आपने जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी तो वहां पे कैपिटल गेन टैक्स आएगा, अनलेस एंड टिल उस बिजनेस में ना हो। और इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, जब उसकी बात कर लेते, 10 लाख की प्रॉपर्टी थी, ठीक है, आपको दे दी 3 लाख में, सर 3 लाख रुपए दे दो बाकी हम मैनेज कर लेंगे, इसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी है, मार्केट सर्कल रेट कितना है, 10 लाख रुपए, और दे दी कितने की, 3 लाख की, तो 7 लाख के ऊपर मुझे टैक्स दे, मेरी इनकम मान के मुझे टैक्स देना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये कहा कि जब इनएडिक्वेट कंसिडरेशन रिसीव हुई तो फ्री में था, कोई कंसिडरेशन नहीं दी नहीं मैंने, कुछ भी पसंद नहीं, इनएडिक्वेट थोड़ा दिया, लेकिन अगर कंसिडरेशन इज लेस देन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, कंसिडरेशन की वैल्यू कितनी है, लेस देन, 10 लाख थी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू और कंसिडरेशन कितना है, 3 लाख, तो क्या इससे कम है कंसिडरेशन की वैल्यू, हाँ सीधी सी बात है कम ही है। एंड द डिफरेंस बिटवीन द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एंड द कंसिडरेशन इज मोर देन हायर ऑफ, अगर उनका डिफरेंस स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू और कंसिडरेशन वैल्यू का डिफरेंस कितना है यहाँ पे, 7 लाख, ये हायर है किससे भाई,
50,000 से ज्यादा 7 लाख, यस ज्यादा है, तो पहली कंडीशन ठीक होगी। दूसरी कंडीशन में क्या है, एंड, ये भी दूसरी कंडीशन, 10% ऑफ कंसिडरेशन, और 10% ऑफ कंसिडरेशन, कंसिडरेशन का 10% कितना है, जो आपको कंसिडरेशन मिली है 3 लाख, उसका 10% कितना हो जाएगा 30,000। तो क्या ये 30,000 से और 50,000 दोनों से ज्यादा है 7 लाख? ऑब्वियसली ये भी, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी, तो इसका मतलब ये होगा कि आपको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं हाँ इसी के अंदर 10% ऑफ कंसिडरेशन दोनों हमें से हायर होनी चाहिए। अब इसके बाद हम बात करते हैं द डिफरेंस बिटवीन द स्टैंप ड्यूटी वैल्यू, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू का जो डिफरेंस है, एंड द कंसिडरेशन शैल बी चार्जेबल टू टैक्स। स्टैंप ड्यूटी वैल्यू और द कंसिडरेशन के बीच का डिफरेंस कितना था, 7 लाख, वो चार्जेबल टू टैक्स होगा इन द हैंड ऑफ द एसएससी एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई। एक बार फिर से मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल से बता देता हूँ कि यहाँ पे देखो कोई 20 लाख की प्रॉपर्टी है। ठीक है, एक मिनट, क्या आ गया ये, हाँ यहाँ पे देखो कि कोई 20 लाख की प्रॉपर्टी है, कोई 20 लाख की प्रॉपर्टी है। ठीक है, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू इसकी, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू, ठीक है, इसको बेच दिया उसने 18 लाख के अंदर, तो कंसीडरेशन मान लो ए यहाँ पे सेलर है और बी यहाँ पे बायर है। ठीक है, और कंसीडरेशन कितने की, 18 लाख की। अब हमें दो चीजें बताई गई है कि उस केस में, पहली बात तो ये कि जब स्टैंप ड्यूटी वैल्यू कंसीडरेशन से ज्यादा हो तो है पहली कंडीशन सेटिस्फाई, तो उस केस में। दूसरी कंडीशन ये है कि आपको ये देखना है कि उनका डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस कितना बेटा, 2 लाख, 50,000 से ज्यादा है, पहली कंडीशन, हाँ जी 50,000 से ज्यादा है। ठीक है, और कंसीडरेशन का 10% कितना है, 18 लाख का, 18 लाख का 10% कितना हो जाएगा बेटा, 1.8 लाख। क्या 1.8 लाख से इनका डिफरेंस ज्यादा है, ज्यादा है, तो 1.8 लाख से भी ज्यादा है, तो दोनों के दोनों कंडीशन हो गई, तो यहाँ पे इन जो दोनों के बीच का डिफरेंस होगा 2 लाख, इसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा, तो 2 लाख होगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। समझ में आ गया। अब इसी केस को लेके चलते हैं। ठीक है, इसी केस के अंदर मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, कंसिडरेशन की वैल्यू कितनी बेटा, 9 लाख, हमने 19 लाख मान लिया, और 19 लाख, 20 लाख और 10 लाख का डिफरेंस कितना हो जाएगा, चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू तो है 20 लाख, ठीक है, और कंसीडरेशन है बेटा इसकी, मतलब बी ने खरीदी है कितने में, 19 लाख के अंदर, ए ने बेच दी कितने में, 20 लाख में, बी ने खरीदी कितने, 19 लाख, दोनों का डिफरेंस कितना है, 1 लाख। तो ठीक है, पहली बात तो कंडीशन ये थी कि स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, तो कंसीडर, और ये स्टैंप ड्यूटी वैल्यू तो बहुत कम है भाई, इसकी 20 लाख की नहीं होती, ये प्रॉपर्टी हमेशा 25-30 लाख की होती है, कभी भी 20 लाख की आपको प्रॉपर्टी मिलेगी नहीं, लेकिन गवर्नमेंट बोलते हैं कि जितना भी मार्केट में रेट चल रहा है उसको छोड़ दो, हम स्टैंप ड्यूटी वैल्यू लेके चलेंगे, और वहां पे भी अगर आपने 19 लाख की ली है तो कोई बात नहीं, आपको एक कंडीशन ये देखना है कि देखो एक कंडीशन क्या देखनी है, पहली कंडीशन ये है कि 50,000 से दोनों का बीच का डिफरेंस 50,000 से ज्यादा है, 50,000 से ज्यादा है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये है कि ये दूसरी कंडीशन क्या है कि 10% ऑफ कंसिडरेशन, 19 लाख का 10% कितना हो जाएगा, 1,90,000, तो क्या ये 1,90,000 से ये ज्यादा है, नहीं, ये तो 1 लाख है, ये बड़ा है, तो इसका मतलब है दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 1 लाख है उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर 1 लाख नहीं आएगा बेटा, दोनों के दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए तभी उसके ऊपर टैक्स लगेगा। ठीक है, अब तीसरी कंडीशन की बात करते हैं, अगर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू कितनी है, 20 लाख, और उसकी कंसीडरेशन कितनी है, कंसीडरेशन मान लो 22 लाख, अरे स्टैंप ड्यूटी वैल्यू तो 20 लाख की, फिर कंसीडरेशन कितने की, 22 लाख की, तो 2 लाख आपको एक्स्ट्रा देने पड़े हैं, तो क्या ये टैक्स गिफ्ट है, अरे गिफ्ट का हुआ यार, 20 लाख के प्रॉफिट में जब 22 लाख में देते, गिफ्ट कैसे हुआ, गिफ्ट तो तब होता है ना जब स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से कम पे मुझे देता तो गिफ्ट मानते, तो यहाँ पे कुछ भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज नहीं आएगा बिल्कुल भी, यहाँ पे आएगा इस केस में, यहाँ पे भी नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इसमें एक ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, जब 19 लाख कंसिडरेशन का 10% कंसिडरेशन का 10% है, उन दोनों के डिफरेंस से ज्यादा होना चाहिए, दोनों का डिफरेंस कितना, 1 लाख, और यहाँ पे 10% कितना, 1,90,000, ये ज्यादा हो गया, अगर ये कम होता ना तो पूरे के पूरे के ऊपर 1-1 लाख के ऊपर टैक्स आ जाता।
ठीक है, होप करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आया तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हो। अब हम एक बात और करेंगे, तो यहाँ पे 10% ऑफ कंसिडरेशन की बात हो रही थी, एक बात और करेंगे। इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, जब इमूवेबल प्रॉपर्टी का ही अभी चल रहा है, बीइंग रेजिडेंशियल यूनिट, एक रेजिडेंशियल यूनिट की बात कर रहे हैं, फुलफिलिंग द स्टिपुलेटेड कंडीशन मेंशन्ड अबव, ऊपर वाली कंडीशन है, कंडीशन क्या क्या है, पहली कंडीशन तो ये है कि ये टैक्सेबल होगी अगर विदाउट कंसिडरेशन के, इनएडिक्वेट कंसिडरेशन की बात करें, अगर मान लो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम पे बेच दिया होगा तब की बात है, तो रिसीव्ड फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, इनएडिक्वेट कंसिडरेशन के लिए उसने वो प्रॉपर्टी ले ली। हु होल्ड सच प्रॉपर्टी स्टॉक इन ट्रेड, जिसका स्टॉक इन ट्रेड है, ये ध्यान रखो, उस केस के अंदर बेटा जो 10% ऑफ कंसिडरेशन है वहां पे 20% ऑफ कंसिडरेशन लेना और बाकी सब चीजें सेम रहेंगे। जहां पे आप 10% कैलकुलेट कर रहे थे उसकी जगह 20% कैलकुलेट करना है, और उसके साथ कुछ कंडीशन और भी है, जो रेजिडेंशियल यूनिट है वो कब ट्रांसफर होनी चाहिए, 11, 12, 20 से लेकर 30, 6, 21 के बीच में अगर ट्रांसफर हुई तो तभी, क्योंकि बेटा उस टाइम पे कोविड चल रहा था और कोविड के टाइम पे इसलिए बनाया गया था, कोविड के टाइम पे 10% के बजाय, क्योंकि कोई प्रॉपर्टी खरीद नहीं रहा था, मार्केट में पैसा नहीं था, तो इसलिए इनकरेज करने के लिए गवर्नमेंट मैंने बताया कि स्कीम निकालती रहती है, इसलिए ये उन्होंने 20% कर दिया था 10% के बजाय। क्योंकि अगर मान लो कि प्रॉपर्टी का 10 लाख 20 लाख है और आप बेच रहे उसको 18 लाख में, तो 18 लाख में ही बिक रही थी उस टाइम पे कोविड के टाइम, क्योंकि लोगों को पैसे चाहिए थे, तो उस टाइम पे अगर आप टैक्स लगाओगे 10% के हिसाब से तो फिर गवर्नमेंट भी लगेगा कि यार मतलब देखो प्रॉपर्टी भी कम पे मिली, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू आप लोगों ने ज्यादा हायर करके रखी है, तो इसलिए गवर्नमेंट ने छूट दिया था। ठीक है, सच ट्रांसफर बाय वे ऑफ फर्स्ट टाइम अलॉटमेंट ऑफ द रेजिडेंशियल, फर्स्ट टाइम किसी ने रेजिडेंशियल यूनिट खरीदी हो और कंसिडरेशन पेड एज ए रिजल्ट ऑफ सच ट्रांसफर इज लेस देन 2 करोड़, 2 करोड़ से कम की प्रॉपर्टी तभी ये है, अदरवाइज रूल नहीं है। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट ये वाला है, तो ये याद रखना। ठीक है, अब रेजिडेंशियल यूनिट का मतलब क्या है, वही देखो, अब क्या ना हर लोगों की इंटरप्रिटेशन बोर्ड होती है, तो एक्ट भी इस चीजों को साथ के साथ क्लैरिफाई कर देता है ताकि बाद में कुछ आपको लीगल इश्यूज ना हो, इसलिए हमेशा चीजों को, सब चीजों को क्लैरिफाई नहीं करते, और लोगों की इंटरप्रिटेशन करने की भी, हर एक इंटरप्रेट करने की अलग भी है, और जब कोर्ट में जाता है तो कोर्ट कैसे इंटरप्रेट करता है वही चीजें फाइनल में मैटर करती है। तो यहाँ पे रेजिडेंशियल यूनिट के बारे में बताया कि कोई भी इंडिपेंडेंट हाउसेस के अंदर रहने की, किचन होनी चाहिए, सैनिटरी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, टॉयलेट बाथरूम होने चाहिए, और डिस्टिंक्टली सेपरेटेड फ्रॉम अदर रेजिडेंशियल विद इन द बिल्डिंग, तो डायरेक्टली एक सिर्फ उसका खुद का दरवाजा होना चाहिए और इंटीरियर डोर होने चाहिए, वो सब होने चाहिए, उसको बोलेंगे फुल। और ये प्रॉपर्टी हर एक ईच प्रॉपर्टी के लिए कैलकुलेट करेंगे ये वाली लिमिट जो 50, ये नहीं कि मैंने 5 प्रॉपर्टी बेची तो 500 की प्रॉपर्टी की 20% से ज्यादा आ गई और 50,000 से नहीं, एक एक प्रॉपर्टी के केस में, और ये सब ध्यान रखना उसी के केस में एप्लीकेबल होती है। बेटा यहाँ पे स्पेसिफिकली फिर से मैंशन कर देता हूँ, स्टॉक इन ट्रेड, जहाँ पे जब जो सेलर होता है उसके लिए प्रॉपर्टी स्टॉक इन ट्रेड हो, कोई रियल एस्टेट डेवलपर हो जिसके लिए उसी केस में काम करता है, जिसका धंधा ये हो बेचने का उसी केस में, अदरवाइज आप किसी इंडिपेंडेंट आदमी ने अपना घर बेचा तो वहां पे कंसिडर नहीं होगी, ये बात आप याद रखो। ठीक है, होप करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, तो मेन चीजें थी वो तो ये थी, वो आपको समझ में आ गया होगा, पल्ले पड़ गई होगी। अब उसके बाद एक बड़ी दिक्कत आती है, वो भी मैं आपको ना एक एग्जाम्पल की हेल्प से बताता हूँ, बहुत दिक्कतें आती है भाई, लोग बहुत तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। अब दिक्कत ये है कि मान लो प्रॉपर्टी को एक एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि 2015 में मान लो कि 10 मई 2018 मान लो वहां पे एक प्रॉपर्टी बिल्डिंग, कई बार क्या होता है ना बिल्डिंग बनाने शुरू ही करता है डेवलपर जो बिल्डर होता है, और उस टाइम पे जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू थी कितनी मान लो कि 50 लाख थी, उसी टाइम पे एग्रीमेंट हुआ, क्योंकि शुरू में तो एग्रीमेंट होगा और एग्रीमेंट होने के टाइम पे ये डिसाइड किया कि मैं आपको 60 लाख में एक फ्लैट दे दूंगा, ये एक फ्लैट की कीमत है। ठीक है, 2018 चला गया, 19 चला गया, 20 चला गया, 22 चला गया, 23 आ गया, और 23 आ गया, और 10/5/2023 को, ठीक है, इसी प्रॉपर्टी की जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू हो गई मान लो कि 80 लाख, और जो अमाउंट उसने पे करनी थी 60 लाख ही थी, और ये थी एग्रीमेंट के अमाउंट, अब बाद में उसने ये 60 लाख रुपए पे कर दिए। अब इतना लेट क्यों हो गया, क्योंकि जब कई बार क्या होता है ना डीलर
प्रॉपर्ट बिल्डिंग बनाना फिर शुरू करता है, प्लॉट खरीदता है, उसके साथ एडवर्टाइजमेंट हमने देखे होंगे गुड़गांव या फिर बड़े बड़े शहरों में पहले से एडवर्टाइजमेंट आ जाते हैं कि भाई आप प्रॉपर्टी खरीद लो, हम आपको इतने में एक फ्लैट दे देंगे, हमारी बिल्डिंग आ रही है 10 माले की 15 माले की इतनी स्टोरी बिल्डिंग है, उसके अंदर स्विमिंग पूल है, बहुत सारी फैसिलिटीज साथ एडवर्टाइजमेंट बोर्ड लगे रहते हैं, तो वहाँ पे आपने देखा होगा। बट 2018 में भाई ने बनाना तो शुरू किया, बट बीच में कोविड आ गया और उसकी वजह से उसका प्रोजेक्ट पूरा डिले होता गया। बट एक बंदे ने यहाँ पे प्रॉपर्टी अपने कहा कि भाई देखो ये पैसे ये एग्रीमेंट कर ले कि 7 लाख में आप फ्लैट दोगे, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू इतनी थी, ठीक है। अब क्या हो गया कि टाइम बढ़ता गया, प्रोजेक्ट डिले हो गया और 10 मई 2023 को उसको अपना फाइनली फ्लैट मिल गया इतने साल की एक्सपेक्टेशन के साथ, वेटिंग के साथ। लेकिन क्या हो गया, इस टाइम पीरियड के अंदर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू हो गई 80 लाख रुपए और एग्रीमेंट में जो वैल्यू डिसाइड हुई 60 लाख हो तो 60 लाख ही देगा भाई, आप उसी टाइम पे बना के दे देते 5 साल या 6 साल उसको, तो इतने साल वेट और कराया आपने तो 60 लाख में मिलेगी, तो 60 लाख में ही एग्रीमेंट की वैल्यू हो। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये डीड बनेगी, सेल डीड बनेगी, रजिस्ट्री हो गई उस प्रॉपर्टी की, ठीक है। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पहुंचेगा और कहेगा कि भाइयों ऐसा है, देखो 60 लाख की आपने प्रॉपर्टी खरीदी है, ये तो हो गई आपकी कंसीडरेशन, और कंसीडरेशन हो गई तो हमारा इनकम टैक्स के अंदर एक हेड आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, और उसके अंदर ये बोलता है कि जो भी बायर है उसको ये 20 लाख रुपए का, क्योंकि आपको तो सस्ती मिल गई, तो 20 लाख रुपए का ये हो गया गिफ्ट और इसको हम टैक्स करेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर। अच्छा, अब सेलर को क्या बोलेगा, सेलर को भी ये बोलेगा कि भाई देखो 80 लाख की प्रॉपर्टी आपने 60 लाख में बेची है, इसका मतलब ये होगा कि 60 लाख तो आपने बैंक से लिए हैं, बाकी के पैसे सस्ते दोस्त में तो बेचोगे नहीं, तो आपने शायद कैसे लिए होंगे ऐसा हम मान लेंगे, और ऐसा मान के जो भी डिफरेंस है 20 लाख का उसको आप कैपिटल गेन टैक्स के अंदर या फिर पीजीपीपी इनकम के अंदर उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा। ये हो गया सेलर के लिए और ये हो गया बायर के लिए, ठीक है। यहाँ पे उसको गिफ्ट मान ली जाएगी 20 लाख रुपए। ये बड़ा झंझट हुआ। अब आप बताइए आपके राय में क्या सही है। तब सीबीडीटी ने भी सर्कुलर निकाला और कई कोर्ट के ये ऑर्डर आए कि भाई जब एग्रीमेंट की डेट 2018 थी तो उस टाइम की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ली जाएगी, ना कि उसकी डीड के टाइम की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू। तो डीड के टाइम पे स्टैंप ड्यूटी वैल्यू क्या थी, 80 लाख, इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे और इसी को हम कंसिडर करेंगे 50 लाख में। तो यहाँ पे स्टैंप ड्यूटी वैल्यू क्या एग्रीमेंट की वैल्यू से ज्यादा है? नहीं, यहाँ पे तो ज्यादा नहीं है, तो 50 लाख की 60 लाख में जाएगी, गिफ्ट मिला नहीं, कोई भी गिफ्ट नहीं मान सकते इसको, तो गिफ्ट है ही नहीं। तो इस केस के अंदर जब गिफ्ट है ही नहीं तो मैं आपको क्यों डू बताऊं, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इसके अंदर नहीं आएगा। तो यहाँ पे आपको कभी भी प्रॉपर्टी लेना है तो जब एग्रीमेंट के टाइम पे जो वैल्यू थी, एग्रीमेंट के टाइम पे जो वैल्यू थी वही वैल्यू मान ली जाएगी, ठीक है। समझ में आ गया कि एग्रीमेंट के टाइम पे जो वैल्यू थी। ये बात भी ध्यान रखना पड़ेगा, जब आपने एग्रीमेंट किया, कौन सी डेट को एग्रीमेंट किया, 10/5/2018 को, तो आपको कुछ एडवांस पेमेंट करनी चाहिए, मतलब कुछ आपने 5 लाख रुपए दे दिए या 10 लाख रुपए दे दिए तभी। लेकिन अगर आपने 1 रुपया भी 0 रुपए अगर एडवांस पेमेंट किया, ये कुछ भी पे नहीं किया, तो उस टाइम स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ये ना मान के ये वाली ही माननी पड़ेगी, ये मानी जाएगी। तो कुछ एडवांस पेमेंट होना चाहिए, और एडवांस पेमेंट भी ऐसे नहीं कि 10 लाख रुपए आपने करे लेकिन वो तो कैश दिए थे, कैश दिया आपने, तो वो भी आपके अकाउंट पे ही चेक से ही जाने चाहिए। ये बात भी ध्यान रखो, ये बात मैं यहाँ पे क्लियर लिख देता हूं, जब आप अकाउंट पे ही चेक से ही दोगे, अकाउंट पे ही चेक से ही अगर आप पेमेंट करोगे या फिर नेफ्ट से करोगे या आरटीजीएस से करोगे या बाकी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से करोगे, तो ही आपको वो पेमेंट, तभी वो मानी जाएगी उस डेट को, तभी वो एग्रीमेंट डेट को स्टैंप ड्यूटी वैल्यू माना जाएगा। अदरवाइज स्टैंप ड्यूटी वैल्यू वो नहीं मान के हमें नेक्स्ट जो डीड की डेट को स्टैंप ड्यूटी वैल्यू लेना, ये बहुत ही काफी डिबेटेबल इशू था, वहां पे बहुत सारे लोगों को केस हुए, तब जाके फाइनली सीबीडीटी ने भी इसके बारे में सर्कुलर निकाल दिया है, ठीक है। तो अब कौन सी वैल्यू मानी जाएगी, आपको पता चल गया है कि एग्रीमेंट के टाइम की मानी जाएगी, डीड के टाइम पे जब आपको पोजीशन मिली है तब के टाइम में मानी जाएगी, कौन से टाइम की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू मानी जाएगी, ठीक है, आपको बस समझ आए। उससे बढ़ने से पहले एक चीज और आपको बताता हूँ कि दो तरह के चीज होते हैं, देखते हो पता, अकाउंट पे ही चेक, अकाउंट पे ही चेक, और एक होता है क्रॉस्ड चेक। देखो दोनों के अंदर डिफरेंस ये होता है कि अकाउंट पे ही चेक के अंदर, तो बेटा अगर अकाउंट पे ही चेक के अंदर जिसके नाम पे वो चेक बनाया है
जिसके नाम पे वो चेक बनाया वो नाम ही क्या करेगा, जिसके नाम पे चेक बनाया उसी को ही पैसे ले सकता है, उसी के नाम पे वो पैसे निकाल सकता है। लेकिन क्रॉस चेक मान लो इसने ए को दिया, ठीक है, क्रॉस, फिर ए ने किसको दे दिया, बी को, तो बी अपने काउंटर पे जाएगा, बैंक पे जाएगा, उसके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। बी ने काउंटर पे जाने की वजह किसको दे दिया, सी को दे दिया, तो ट्रांसफरेबल होता है, ये ट्रांसफर किया जा सकता है सी को। लेकिन अगर मान लो सी के पास गया और ये डिफॉल्ट कर गया पैसे, तो सी बी के ऊपर केस कर सकता है, बी ए के ऊपर केस कर सकता है, और ए को जहां से मिला था उससे केस हो सकता है। तो इसलिए इस चेक को, क्रॉस चेक जो होता है, इसको आप ट्रांसफर कर सकते हो ए, जबकि अकाउंट पे ही चेक होता है, वो एक जिसके नाम पे उसी को ही मिलेगा, उसको आगे दूसरे को तीसरे को नहीं दे सकते। तो ये जो क्रॉस चेक है ना, ये यहाँ पे ये नहीं आता, मतलब क्रॉस चेक से अगर की हुई पेमेंट को पेमेंट नहीं माना जाएगा एडवांस के फॉर्म में। अगर आपने यहाँ पे 10 लाख रुपए तो दिए एडवांस के, एडवांस के 10 लाख तो दिए, लेकिन किससे दिए, क्रॉस चेक से दिए, क्रॉस चेक से दिए। तो अगर मान लो आप अकाउंट पे ही चेक से देते तो ये वाली डेट मान ली जाती, ये वाली डेट मान ली जाती क्या, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू के लिए। लेकिन अगर आपने क्रॉस चेक से दिए तो ये वाली डेट स्टैम्प ड्यूटी के लिए नहीं मानी जाएगी, ये वाली मानी जाएगी। और यहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी कितनी है, 80 लाख, और यहाँ पे 20 लाख का आपको क्या करना पड़ेगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का टैक्स पे करना पड़ेगा। होप करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। तो वही है बेटा, देर में भी पॉसिबल टाइम गैप, कई बार टाइम गैप हो जाता है डेट ऑफ एग्रीमेंट को लेकर और डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन को लेकर। उस सिनेरियो के अंदर जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है वो डेट ऑफ एग्रीमेंट की लेनी है इंस्टेड ऑफ डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की, प्रोवाइडेड, कंडीशन है, कंडीशन ये है कि जो डेट ऑफ एग्रीमेंट फिक्सिंग द अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन, क्योंकि डेट ऑफ एग्रीमेंट को ही तो कंसिडरेशन कितना पैसे देना वो फिक्स करेंगे, और ट्रांसफर देने वाली प्रॉपर्टी एंड द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आर नॉट सेम। डेफिनेटली जब सेम ही हो गई तो सीधी सी बात है कि वही अमाउंट लेना, एग्रीमेंट की ले लो चाहे रजिस्ट्रेशन की, सेम ही होगी डेट। तो आज यू पेड होल और पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन हैज बीन पेड बाय अकाउंट पे चेक और अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट और एनी इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग क्लियरिंग सिस्टम और थ्रो बैंक अकाउंट और सच प्रिस्क्राइब्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑन और बिफोर द डेट ऑफ एग्रीमेंट। डेट ऑफ एग्रीमेंट से ऑन या फिर उससे पहले होल और पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन, थोड़ी या फिर पूरी कंसिडरेशन आपको अकाउंट पे चेक से या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडियम जो प्रिस्क्राइब किया उससे आपको देनी पड़ेगी। अगर नहीं दिया, ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, तो उस टाइम पे डेट ऑफ एग्रीमेंट की वैल्यू ना लेके किसकी लेनी पड़ेगी, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की वैल्यू लेनी पड़ेगी, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू की। और जब स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू बढ़ी हुई मिलेगी उस केस में ये पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीजें प्रैक्टिकल लाइफ में आप भी जब जाके प्लॉट खरीदोगे या फिर घर खरीदोगे तो आपको भी ये ध्यान रखना चाहिए कि एग्रीमेंट की वैल्यू क्या है और रजिस्ट्रेशन की डेट क्या है, ठीक है। ओके, अब उसके बाद हम बढ़ते हैं स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। कई बार क्या होता है कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू के ऊपर ही इश्यू कर दिया, एसएससी ने बोला कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ही गलत है, तो उस केस के अंदर असेसिंग ऑफिसर, इनकम टैक्स ऑफिसर है, वो एक वैल्यूएशन ऑफिसर को रेफर कर सकता है, उनको बोल सकता है कि भाई आप जाओ एक वैल्यूएशन ऑफिसर को बोले और इस प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन करो कि कितनी वैल्यूएशन है, वही वैल्यूएशन मान लीजिए स्टैम्प ड्यूटी के लिए, सिंपल है। और उसके अंदर सेक्शन 50C के अंदर प्रोविजन प्रोवाइड किया गया, 115 के अंदर भी है, डिटरमाइन द वैल्यूएशन प्रॉपर्टी, सिंपल। अब बात करते हैं हम मूवेबल प्रॉपर्टी की। मूवेबल प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो उसमें सबसे पहले आएगा विदाउट कंसिडर, सेम जैसे इमोवेबल में करी थी, तो उसके अंदर भी यही है कि मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर आपको स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू तो मिलेगी, बाइक की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू थोड़ी ना होती है, तो वहां आपको मिलेगी फेयर मार्केट वैल्यू। तो एफएमवी देखोगे वहां पे, क्या देखोगे, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ सच प्रॉपर्टी, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ सच प्रॉपर्टी ऑन डेट ऑफ रिसीट वुड बी टैक्स एज इनकम ऑफ द रिसिपेंट, रिसिपेंट मतलब जिसको मिला है, इफ इट एक्सीड द 50,000। एक बाइक दे दी 1 लाख रुपए की और कहा कि लो भाई, तो जिस दिन आपको मिली है वो 1,50,000 से ज्यादा है, तो इसका मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी था ही बाइक, तो उसके ऊपर 1 लाख रुपए को इनकम मानेगी किसकी, जिसको मिली है बाइक उसकी इनकम मानेंगे। और इनएडिक्वेट, 1 लाख की बाइक 30,000 में दे दी आपको, 1 लाख की बाइक, तो जो 70,000 रुपए जो डिफरेंस है, तो फेयर मार्केट वैल्यू कितनी थी, 1 लाख रुपए, ठीक है, और कंसिडरेशन कितनी है, 30,000 रुपए, वो कितनी होगी, 50,000 से ज्यादा है, हाँ ओब्वियसली 1 लाख की बाइक 30,000, 70,000 हुई तो 50,000 से ज्यादा होगी, तो डिफरेंस वुड बी टैक्स इनकम ऑफ द रिसिपिएंट। और डिफरेंस कितना, ये नहीं कि 70,000 है, 50,000 तो होना से ज्यादा होनी चाहिए, तो 70,000 ज्यादा, 20,000 डिफरेंस, नहीं, पूरा का पूरा 70,000 क्या होगा, टैक्सेबल होगा इन द हैंड ऑफ रिसिपिएंट।
होप करता हूँ आपको ये सब चीजें, बेसिक सी चीजें जो मैंने बताई है आपको समझ में आ गई होंगी। अगर यहाँ तक कोई भी डाउट आप पूछो आगे आने वाले चैप्टर के, आगे आने वाले वीडियो के अंदर हम क्या देखेंगे कि क्या क्या इसके एक्सेप्शन है, कौन हमें गिफ्ट दे तो कभी भी टैक्स लगेगा ही नहीं, कितना भी पैसा दे दे या फिर कितनी भी प्रॉपर्टी दे हमें टैक्स लगेगा नहीं, और उसके अलावा कुछ एग्जाम्पल भी करेंगे कि कैसे हम उसको टैक्स किया जाता है, बायर के हाथ में कैसे टैक्स करेंगे, रिसीवर के हाथ में कहाँ पे टैक्स होगा, वो पूरा हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। होप करता हूँ आपको आज का वीडियो समझ में आया, अगर आपको कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर मत भूलना, और उसके साथ प्लीज वीडियो को लाइक भी कर देना। थैंक यू सो मच गाइज, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जल्दी।